हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द शेफ। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चिली पनीर की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी, खाने में तो मज़ा आने वाला है और बनाने में बहुत ही आसान। तो हमने इसे आपके लिए किस तरह बनाया है देख लेते हैं। ये हमने लिया है पनीर, जो कि हमारा होममेड पनीर है। हमने इसको 2 किलो दूध का बनाया था। तो यहाँ पर इसके हमने इस तरह से पीसेस कर लिए हैं और इसको हम एक बाउल में डाल देंगे। वो सारे पीसेस को डालने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे इसके स्वाद अनुसार, और इसको नमक डाल के भी हम हाथों से नहीं मिलाएंगे, इसी तरह टॉस कर लेंगे ताकि नमक सब तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे हम लेंगे 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लोर लिया हमने, और कॉर्नफ्लोर भी हम इसमें अच्छे से ऊपर नीचे करके टॉस कर लेंगे ताकि सारे पीसेस में अच्छे से कॉर्नफ्लोर लपट जाए। और अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और जो हमारे पनीर के पीस है उसको हम एक एक करके इसमें फ्राई करेंगे। तो बस सारे पीसेस हम इसमें तेल में डाल देंगे इस तरह से, और इनको हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, सिर्फ हमें हल्का सा इन्हें फ्राई करना है। तो इस तरह से फ्राई होते जाएंगे तो हम इन्हें निकालते जाएंगे। तो हम अपने बाकी के सारे पनीर को भी इसी तरह से तल के फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपने पनीर फ्राई कर लिया है, अब इसे हम साइड कर देंगे और हम करते हैं दूसरी प्रिपरेशन। तो यहाँ पे हमने फिर से कढ़ाई लिए, इसमें हमने टमाटर लिए हैं जो कि हमारे 1 पाव टमाटर हैं, और यहाँ पे हमने 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं जिसे हमने मोटा मोटा काट लिया है, टमाटर को भी मोटा काटा है, और 8 से 10 हमने हरी मिर्च लिए हैं, 10 से 12 हमने काजू लिए हैं, और यहाँ पे हमने 1/2 ग्लास के करीब पानी डाल दिया है, और अदरक लिया है हमने 4 इंच के करीब। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से बॉईल आने तक पकाएंगे और इसको हम गलने तक पकाएंगे ताकि हमारा थोड़ा सामान जो है वो गल जाए। और जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको, तो हमें पूरा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का ठंडा हो जाए तो इसे हम ग्राइंड कर लेंगे इस तरह से। और हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, तेल हमने 200 ग्राम के करीब लिया है, उसमें हमने 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है, जो हमारा ग्राइंड किया हुआ मसाला है इसमें को हम तेल में डाल देंगे। और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। अभी हमने इसमें और अदर्स मसाले नहीं लिए हैं, अभी खाली ये जो हमने बॉईल किए थे वही मसाले हैं। इस मसाले को भी हम अच्छे से भूनने रख देते हैं, और जब तक ये बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे और ये मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा तब तक हम एक मसाला और रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे दही, जो कि हमारा 100 ग्राम दही है, और इसमें लेंगे हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और हमने लिए हैं 2 टीस्पून कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर, और हमने पनीर में भी नमक डाला हुआ है, वो पनीर के हिसाब का था, हम मसाले के लिए लेंगे तो स्वाद अनुसार नमक, और 1 टीस्पून रेड मिर्च पाउडर, और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और 1 टीस्पून लिया हमने चाट मसाला पाउडर। अब इन और हम इसमें हल्का सा ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑयल डालना इसमें ऑप्शन है। और इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये हमारे मसाले सब अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो ये इस तरह से हमारा एक थिक सा मसाला बन के रेडी हो जाएगा। और अब हम इस मसाले को उठा के, जो हमारा कढ़ाई में मसाला भुन रहा है, इसको हम इसमें डाल देंगे। और इन दोनों मसालों को हम मिक्स कर लेंगे, और अब हम इन्हें अच्छे से इनकी भुनाई कर लेंगे, इसे हम चलाते हुए मसाले को भून लेंगे अपने। तो हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है, हमने चलाते हुए इसको अच्छे से मसाले को भून लिया है, मसाले ने अपना तेल छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि मसाला तो हमारा अच्छे से भुन चुका है, इसी तरह से हमें मसाला भुनना था। देखिए चम्मच में से भी इजीली गिर रहा है, और
इसी तरह से मसाला भुनेंगे तो मसाला अच्छे से बन जाता है। वो यहाँ पे हमने लिए शिमला मिर्च, जो कि दो हमने बड़ी शिमला मिर्च ली थी, इसे हमने क्यूब्स में काट लिया है। और यहाँ पे हमने लिए मलाई, जो कि हमने 200 ग्राम के करीब मलाई ली है, इसे फेंट ली थी। और इस मलाई को भी हम मसाले में डाल देंगे। और मसाले में मलाई मिक्स हो जाएगी तो फिर हम इसमें शिमला मिर्च और जो हमने अपना पनीर फ्राई करके रखा है वो डाल देंगे। और इन दोनों के ऊपर ही हम अपना गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे हमें, क्योंकि जो हमारी शिमला मिर्च है उसे बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, सिर्फ क्रंची क्रंची रहें इतना ही पकाना है, इसीलिए हमने इन्हें पनीर के साथ डाली है। बस इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है हमारे सारे ग्रेवी और हमारे पनीर और चिली को। और अब हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा अपने आप में पक जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे हमारे कितने इजी तरीके से चिली पनीर बनके रेडी हो चुका है। और इसमें आप ऊपर से हरी मिर्चें डाल सकते हैं, ये भी ऑप्शन है बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा पनीर चिली रेडी हो चुका है बनके, और इसमें आप ऊपर से बटर भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे रोटी के साथ खाएं या राइस के साथ खाएं या फिर पूरी पराठे, जिस चीज के भी साथ इसे खाना पसंद करेंगे, ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही मज़ेदार होता है खाने में। तो मैं चाहती हूँ आप भी इसे अपने किचन में बना के ज़रूर ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो फिर आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, बाय।